हां जी हर्ष कुमार जी, आपके साइन आए मेरे पास, देखे जो कुछ मैं एनालाइज कर पाया वो पहले मैं शेयर करता हूं आपके साथ। एक तो आप जब साइन करते हैं फर्स्ट अल्फाबेट के बीच और सेकंड जो अल्फाबेट है उसके बीच में जरूरत से बहुत ज्यादा दूरी आप मेंटेन कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। बीच में जो अल्फाबेट पूरे हैं जो नेचुरल जो है हर्ष के, वो डाल लूं? वो मैं बताऊंगा। हाँ। क्योंकि एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अब हर्ष नाम के ही अगर मेरे पास चार या पांच लोग आते हैं जी, तो उनके सिर्फ हर्ष के साइन नहीं बनते जी, वो क्या काम करते हैं, किस प्रोफेशन से कनेक्टेड है, क्या कोई स्कूल टीचर है या आपकी प्रेस लाइन से है, मीडिया में है, कोई वकील है, स्टूडेंट है, प्लेयर है, कोई बिजनेस करता है, तो वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा माइंड सारा दिन उस तरह से काम करता है जिस माहौल में हम रहते हैं जी, तो हमें अपनी सोच, अब साइन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जैसे हमारे एक बार साइन बन गई, ये पैटर्न, ये सिग्नल जो ब्रेन में बन जाएंगे, तो उसी तरह ही हमारा एक दिन, एक महीना और आगे सालों साल हमारी जिंदगी वैसे गुजरेगी जी। उसका इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे भी आता है और प्रोफेशनल लाइफ पे भी आता है जी। तो इसलिए जल्दी नहीं करेंगे, आराम से पूरा समझ के सारी चीजों को उसके बाद करेंगे। लास्ट में आप एक ही डॉट लगा रहे हैं, कुमार के बाद मतलब के आर के बाद में डॉट लगा देते हैं। लास्ट में एक डॉट के लिए मैं हमेशा सबको मना करता हूँ, कभी भी अपने साइन के लास्ट में या तो दो डॉट या तीन डॉट लगाओ, एक डॉट नहीं लगाओ। एक डॉट के कुछ तो प्लस पॉइंट है, ये है कि डेडिकेशन होती है कि जो एक काम हमारे हाथ में है, जो हमें मिला है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो हम बड़े जोश और जुनून के साथ करते हैं। जब तक वो पूरा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठते, चाहे रात को 11 बज जाए, 12 बज जाए, शाम तक काम खत्म होना था लेकिन लेट होता जा रहा है, लेकिन उसको छोड़ते नहीं, हार नहीं मानते। लेकिन जब एक डॉट का ये मतलब है, एक डॉट का है एक काम के लिए, लेकिन जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद एकदम से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, नेचुरल है। क्योंकि उसके बाद हम सेकंड जो ऑप्शन, लेकिन जिंदगी तो नहीं ना रुकती। अब ये तो है नहीं कि हमने एक दिन कमा लिया और उसके बाद हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं, तो उस तरह से लाइफ नहीं चल सकती। मेरे साथ है, अगर मैं एक डॉट लगा रहा हूँ तो आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि मैं भी एक काम को अगर पकड़ता हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट काम की तरफ मेरा ध्यान जाता नहीं, एनर्जी डाउन हो गई और मुझे लगता है कि इस काम को मैंने यहाँ कर लिया बस, सफिशिएंट है, बाकी कल देखेंगे, कल नया सूरज चढ़ेगा तो देखेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आज की डेट में पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, एक काम के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक काम किया और उसके बाद अब बस भी हमें छोड़ दो, अब हम आराम से खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और चलेंगे। इमीजिएटली हमें नेक्स्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर एक डॉट लगाते हैं तो इसका ये है। दूसरी चीज, हम कहने का मतलब डॉट बढ़ा सकते हैं, मैंने कहा है ना कि अभी मैं सारी चीजें आराम से बताऊंगा कि डॉट अगर लगाने तो कहाँ लगाने, क्योंकि एक डॉट भी हमारी जिंदगी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक आई का डॉट लेफ्ट में लगा है तो उसके अलग मायने हैं, राइट में लगा है तो अलग है, अगर ऊपर लगा है तो अलग है, डॉट को अगर हैश की फॉर्म में लगाया है तो उसकी बिल्कुल अलग रीडिंग होती है। कुछ लोग स्टार बना देते हैं, कुछ लोग ये यंग बच्चे जो हैं वो हार्ट बना देते हैं, और भी देखने में आया कि मोस्टली लेडीज या कुछ जेंट्स में मैंने देखे कि वो सर्कल बना देते हैं, जैसे छोटी सी बिंदी बना देते हैं जी। तो ये जो अब हैश है वो भी जो डॉट को हैश में बदला बनाया है, तो अब वो नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है,
तो एक डॉट पे अगर हम टाइप देखें तो शायद 50 से ज्यादा एक डॉट वो डालते हैं, डॉट के मतलब की टाइप्स हैं, और अब इससे 50 तरह के इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे माइंडसेट पे और हमारी लाइफ पे आते हैं। तो हमें बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए कि ग्राफोलॉजी में कोई भी चीज, अब कुछ लोग जल्दी में वीडियो देख के आधी अधूरी जानकारी के साथ कभी भी कोई काम नहीं करे। वीडियो से देखें, गूगल पे देखें, सर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस भी एक पॉइंट को है उसको पूरी डिटेल में क्लैरिफाई करके वेरीफाई करके फिर आगे करें। वेरीफाई की बात आई तो जो लोग साइन के लास्ट में एक डॉट लगाते हैं, वो कोई भी काम करने से पहले, किसी भी नए आदमी के साथ डील करने से पहले या कोई चीज खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से वेरिफिकेशन करते हैं कि ये आदमी कैसा है, पहले इसका बिहेवियर कैसा था, क्या हमने डील किया है नहीं किया, इसकी नेचर कैसी है, उसके बाद फिर हम उसके साथ धीरे धीरे रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसका मतलब चेक रीचेक अच्छी तरह वेरीफाई करने के बाद फिर हमारा विश्वास बनना शुरू होता है। ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा होता है। नेक्स्ट है जी आपका, ये जो गैप आपने बहुत ज्यादा, इसको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा फर्स्ट अल्फाबेट और बाकी में, क्योंकि ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आज की डेट में हम कितने भी ताकतवर हैं जी, कितने भी इंटेलिजेंट हैं, किसी भी लेवल तक हमने पढ़ाई की है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डिग्री हैं हमारे पास, लेकिन हम अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें अपने जूनियर्स के साथ भी मिलकर काम करना है, हमें अपने सीनियर्स के साथ भी करना है, कुछ हमारे जो कुलीग कह लो, हमारे साथ जो मिलकर काम करते हैं उनके साथ भी मिलकर चलने की जरूरत होती है। तो जब अक्षरों के बीच में जरूरत से ज्यादा गैप रखते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कम होनी शुरू हो जाती है। हम सामने वाले के लिए कितना भी अच्छा सोचेंगे लेकिन उन्हें हमारी वो अच्छी बात नहीं समझ आएगी, वो उसके मायने अपने तरीके से निकाल लेंगे। सामने वाला कुछ कह रहा है तो कम्युनिकेशन गैप ऐसा होगा कि हम उसे हमेशा मिसअंडरस्टूड करेंगे और यही सोचेंगे कि नहीं, इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, पर्पस कुछ हो रहा है इसका। तो ये जो बॉन्डिंग है इन चीजों से वीक होती है जब वर्ड्स के बीच में और लेटर्स के बीच में हम जरूरत से ज्यादा गैप देते हैं। अब ये जैसे पी लिखा आपने स्टार्टिंग में, मैंने एक ये लाइन बनाई थी आपके लिए, सैंपल लिया है हैंडराइटिंग का कि प्लीज पैक माय बॉक्स विद 5 dozen लिकर जग्स। अब ये जो पी आपने लिखा है तो स्टैंडिंग लाइन तो ठीक है, लेकिन ये जो है आगे जो हम बैलून साइज का बनाते हैं पी का, वो देखो इतना टाइट है कि बिल्कुल पतला था, तो ये दिखाता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो है। हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितना टैलेंट है, हमें उसका 100% यूज करना चाहिए, लेकिन जब कुछ अल्फाबेट हम इस तरह से बनाते हैं, अब ये देखो ना पी, ये नीचे वाला तो आपने फिर भी थोड़ा ठीक रखा, लेकिन ये इतना टाइट कर दिया है। अब सिर्फ इस पी को अगर खोलें, लास्ट वीक भी एक डॉक्टर साहब हैं पंजाब में, वो प्रोफेसर भी हैं, तो काफी सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उनके नाम का मैंने सिर्फ एक पी अल्फाबेट चेंज किया और कुछ दिनों बाद उनका मैसेज आया, उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा कि बहुत सारी मेरी जो लाइफ के इश्यूज थे, जो चैलेंज आ रहे थे, वो सारे ऑलमोस्ट मेरे क्लियर हो गए। तो इस साइंस की जो सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्निकली हमें अल्फाबेट्स का ये देखना है कि हम उनको कैसे लिख रहे हैं, उनका साइज कैसे है। अब ये साइज की प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ जी, साइज कैसे रहे, स्लांट कैसे है कि वो लेफ्ट में जा रहा है राइट में जा रहा है, दूसरी चीज कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रेशर ठीक है, आप मीडियम प्रेशर से लिख रहे हैं,
आपका बहुत ज्यादा भी नहीं लिखते टाइम प्रेशर डालते, ना ही आप कम डालते। मिलने से जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी और इस पे रिसर्च बातचीत हुई थी तो मैं बड़ा प्रेशर से लिखता था, वो आपके अकॉर्डिंग कम मैं कर पाया हूँ प्रेशर, ये भी मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। अब ये जैसे जे लिखा आपने जी, ये जे की लाइन आपने जो ऊपर टच नहीं करी, टच नहीं करी, ये टी की लाइन है ये टच नहीं करी, तो ये सारी चीजें ये है कि मतलब कि कहीं भी हम जहां कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जहां पे हम रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो ये चीजें हमें उसके बीच में दूरी बना देती है। ओके, हम खुद ही बना रहे हैं दूरी। देखो हमारी लाइफ को कोई भी दूसरा बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक कि हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद किसी के हाथ में नहीं। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है कि हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए ना एक सेइंग भी है कि कुछ लोग होते हैं गलती हो जाती है वो सबसे पहले दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, कुछ थोड़े से लोग होते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं, तीसरे वो होते हैं कि गलती मान के इमीडिएटली उसमें सुधार करके फिर वो आगे चल पड़ते। जो ऐसे लोग होते हैं उनको मंजिल सबसे जल्दी मिलती है, उनको लाइफ में सक्सेस सबसे जल्दी मिलती है, क्योंकि फिर वो अपनी एनर्जी को दूसरे पे वो ब्लेम गेम वाली जो चलती है कि भी इस पे ब्लेम लगाना है इसमें लगाना है, फिर जो इश्यूज बनेंगे उसमें टाइम एनर्जी हम वेस्ट करेंगे, फिर कई बार बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, पैसा भी बहुत वेस्ट होता है। तो इन चीजों से बचने का ये है कि हम अगर अपनी हैंडराइटिंग को ठीक कर लें, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम अपनी लिखावट की बनावट सजावट और दिखावट को ठीक कर लें तो जिंदगी में गिरावट तो कभी नहीं आ सकती। इसी तरह अब आई का डॉट है, जो अभी हम आई की बात कर रहे थे, तो आप भी आई के डॉट बनाने की बजाय ये एक सर्कल बना रहे हैं, बिंदी सी बना रहे हैं। अब अगर डॉट लगाते हैं आई का तो उससे हमारा फोकस, जब हम काम कर रहे हैं सुबह उठे हैं और हमने डिसाइड किया कि हमने ये काम करने हैं, तो हमारा फोकस पूरा क्लियर होगा कि हमने शाम तक क्या क्या प्रायोरिटीज हैं उसको कैसे पूरा करना है। लेकिन जब ये सर्कल बना देते हैं, एक तो इसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 3 घंटे के पेपर में तकरीबन 7 से 8 मिनट अंदाजा सिर्फ ये आई की जगह डॉट बनाने में वेस्ट हो जाते हैं। अब 3 घंटे के एग्जाम में अगर 8 मिनट हमने इसको डॉट बनाने में वेस्ट कर दिए, 8 मिनट में हम कई बार पूरा पेपर दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। अब वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया हमने सिर्फ डॉट बनाने में, और इसने यहां भी हमें प्रॉब्लम की, और प्लस हमारी लाइफ में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन कुछ लोग जो मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, फिल्म लाइन है, टीवी लाइन है, जो चाहते हैं कि हम हमेशा लाइम लाइट में रहें, उनको ये हेल्प करता है, उनको हेल्प करता है। वो किसी ना किसी तरह से हर वक्त न्यूज में सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन उसके अलावा अब कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई सीए है, कोई मैनेजर है, बैंक में है, अगर वो इस तरह से करता है तो वो फिर उसके माइंड में कंफ्यूजन और डाउट्स ज्यादा क्रिएट करता है। हम खुद ही कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उससे पहले हम खुद ही उसे इफ बट लेकिन किंतु परंतु बहुत कुछ लगा के अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं मीडिया लाइन से हूं तो मुझे ये, हाँ आप इसमें कर सकते हैं तो आपका ये जो है ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एफ। एफ में आप ना तो ऊपर लूप बना रहे हैं ना नीचे बना रहे हैं। अब ये चीजें आप भी जरा ध्यान से एक ही बार, में ऊपर लूप भी होता नीचे भी होता, जो उल्टे स्मॉल में जाएगा। एफ में ऊपर भी नीचे दोनों, हाँ स्मॉल एफ में दोनों दो लूप होते। ये दो लूप का बेसिक पर्पज ये होता है कि जो अपर लूप है वो होता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो उसका प्लानिंग पार्ट है कि क्या क्या उसमें हमें जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितना बड़ा ऑफिस चाहिए,
या फैक्ट्री लगानी है तो उसमें कितनी मशीनरी चाहिए, किस तरह की लेबर चाहिए। तो अब कुछ लोग ऊपर सीधी लाइन डाल देते हैं, लूप नहीं बनाते, मींस कि वो प्लानिंग में वीक है, वो प्लानिंग की डिटेल में जाते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं काम शुरू कर दो, जो भी होगा हम देख लेंगे। उससे क्या होता है, काम तो शुरू हो जाएगा लेकिन हर स्टेप के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम अड़चने आनी शुरू हो जाती है। नीचे का जो सेकेंड पार्ट है एफ का, वो होता है एग्जीक्यूशन का। अब कुछ लोग नीचे लूप नहीं बनाते, उसे छोड़ देते हैं, तो वो प्लानिंग तो कर ली उन्होंने लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम उनके पास कोई मतलब की अब वो डिस्टर्बेंस रह जाएगी या कोई कमी रह जाएगी जी, वो कंप्लीशन नहीं हो पा रहा। तो जब तक तो ये दोनों चीजों को हम बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो जो फेवरेबल रिजल्ट हमें चाहिए वो कभी नहीं मिलेंगे। थोड़े वो 10% 15% तो मिल जाएंगे लेकिन 100% जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कभी आ सकते तो वो कभी नहीं आएंगे हमारे। ठीक है ना? ठीक है जी। तो आप सबसे पहले ये जो गैप है इसको बंद करेंगे। नया मैं आपको बता देता हूं। हाँ, मुझे आप बताइए दे। ठीक है ना, वो अभी लास्ट में करेंगे। रिड्यूस गैप बिटवीन द वर्ड्स, ये जो आप देखो वर्ड लिखे इसके बीच में सिर्फ एक अल्फाबेट के बराबर हमें सिर्फ गैप चाहिए होता है, लेकिन आपके हर वर्ड के बाद जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, 2 से 3 अल्फाबेट का गैप है। और इसके साथ हर जैसे ये बॉक्स लिखा है, बी अलग लिखा है, ओ अलग लिखा है, पैक लिखा है तो पी अलग है, ए अलग है, इनको ज्वाइन करके लिखा। ज्वाइनिंग नहीं मैं देता ना, तो आप वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हो और साथ ही इसके बीच में गैप आप बहुत ज्यादा जी। और दूसरी चीज, अब जैसे आपकी ये मीडिया की लाइन है तो आपका सोशल सर्कल, क्योंकि आपने न्यूज बनानी है, न्यूज आगे तक पहुंचानी है, तो न्यूज लाने भी तो है, न्यूज आएगी कहां से, घर बैठे थोड़ा आ जाएगी जी। उसके लिए जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो जो अभी इतने सालों से आपका तो फैमिली के आपके फादर को मैं जानता हूं, बहुत अरसे से वो काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइन में तो हर तरफ से मतलब की ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल का काम करना है, मार्केट का करना है। अब इलेक्शन चल रहे हैं तो हर कैंडिडेट के बारे में आपको रिपोर्ट की जरूरत होती है, किस इलाके में क्या हो रहा है, किस इलाके में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारा तालमेल सबके साथ बना हो। फिर क्या होता है कि एक फोन से ही हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, अदरवाइज हम सवेरे से रात तक भागते रहेंगे तो भी हमें उतनी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जितनी की हम कर सकते थे जी। ठीक है, तो ये आप वर्ड्स के बीच का गैप कम करो और वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखो, और लिखने का पैटर्न भी थोड़ा चेंज करो, इसको राइट एंड स्लांट, जैसे ये मैंने लिखा है, अब आपके अक्षर देखो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट में जा रहे हैं, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो इनको सबको राइट इस तरह से लिखो जैसे ये मैंने लिखा है जी। तो ये सारे देखो, इसमें क्या होता है कि हमारे माइंड की डायरेक्शन एक रहती है, अगर हम कभी लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ, कभी सेंटर में, तो उससे क्या है कि माइंड को कंफ्यूजन रहता है कि हम करना क्या चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है हमें, तो वही कंफ्यूज है। जब माइंड कंफ्यूज है तो हमारे सारे एक्शंस जो हैं उनमें वो कंफ्यूजन आ जाएगा, तो उससे जो काम जो इजिली पूरा कर सकते हैं वो कभी पूरा होगा नहीं। ठीक है जी, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। बाकी ओवरऑल आपकी हैंड राइटिंग जैसे मैंने देखी, ये आपने लिखी बहुत ही, और साइन आप जैसे एंगल दे रहे हैं इसको बहुत ही ये अच्छा हेल्दी साइन है कि आपने जैसे ये तकरीबन 30 का एंगल दिया, तो सोच आपकी पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है। सुबह जब उठते हो, रात को सोने से पहले जितनी देर नींद नहीं आती या रात को कभी नींद खुल जाती है, उस टाइम आपके पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि यार ये कर सकता था, ऐसे कर लूंगा, कल ये पॉसिबल है मैं ये कर लेता हूं। लेकिन सुबह जब दिन शुरू होता है तो उसके बाद एक्शन नहीं ले पाए। अब ये पानी का गिलास पड़ा हुआ है, मुझे प्यास लगी हुई है,
मैं सारा दिन इसको देखता रहूं मेरी प्यास बुझ जाएगी, उठाना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा, मुंह के पास लाऊंगा, पानी पीऊंगा, अंदर जाएगा तो मेरी प्यास बुझेगी। तो बहुत सारे लोग, यहां मैं ये चीज एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कई दोस्त जो मेरे आते हैं वो कहते हैं जी आपने साइन चेंज किए थे, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, प्रैक्टिस कितने की, नहीं उसके लिए तो टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस तो भी नहीं की, प्रैक्टिस भी नहीं की हमने, माइंड को जो चेंज करने के लिए पैटर्न बनाने थे उसके ऊपर काम नहीं किया। जो इसके साथ, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया कि मुझे प्यास लगी है और अब ये गिलास ही मेरे सामने पड़ा है, जब तक मैं पानी पीऊंगा नहीं तो प्यास तो नहीं बुझेगी। तो एक्शन भी बहुत जरूरी है। अब मैं कितना भी अच्छा बीज ला के यहाँ पे 10 बोरी डाल दूं, घर में रख दूं अपने, खाद भी ले आऊं, सब कुछ ले आऊं, तो क्या मुझे फल मिल जाएगा? जब तक थोड़ी मेहनत करके सही जगह पे, सही जमीन पे, सही मौसम में उसको नहीं लगाएंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हैंडराइटिंग हो, सिग्नेचर हो, इसके साथ साथ कर्म एक्शन भी बहुत जरूरी है। सिर्फ धर्म और ध्यान की बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ ज्ञान और कर्म, इन दो चीजों को भी फोकस करने की जरूरत है। धर्म और ध्यान को भी समझना है तो भी पहले ज्ञान की जरूरत है, तभी हम धर्म और ध्यान को भी समझ सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान और कर्म को अपनी हमेशा लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, इसके बिना जिंदगी में कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी लेवल पे हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है जी आपका इंडिपेंडेंट थिंकर, अकेले ही सोचते रहते हैं आप, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये कर लेता हूं, किसी दूसरे के साथ सलाह मशवरा करने से ज्यादा आप प्रेफर करते हैं कि मैं अपने लेवल पे डिसाइड करके मैं डिसीजन ले लूं, डिसीजन ले लूं। ये मैंने सेकंड यही लिखा है, टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, जो चीज आपने बोली मैंने पहले लिख के रखी हुई है। हैविंग ओन स्टाइल एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, आपका काम करने का तरीका जो है, जो आपका बन चुका है, आपको कोई कहता है कि ये हर्ष ऐसे नहीं, इसे ऐसे कर लो, आप कहते नहीं यार आप रहने दो, मैं काम आपका हो जाएगा, आप छोड़ दो बस, लेकिन आप काम अपनी मर्जी से, अपना जो एक स्टाइल, एक पैटर्न बन चुका है, आप करते हो उसी से। बिल्कुल से, सामने वाला जैसे भी कहता रहे करता अपने अनुरूप उसी स्टाइल से। बिल्कुल से, डोंट लाइक टू एक्सेप्ट सजेशन एडवाइस फ्रॉम अदर्स, दूसरा आदमी कोई अननेसेसरी आपके सलाह देता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उधर जाना है वो कर लो, आप सुन तो लेते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो आप अपना ही रखते हैं, कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसी को प्रेफर करते हैं और उसी को ही रखते हैं और उसी पे काम करते हैं। इन पब्लिक लाइफ यू आर ओके बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, आपको आपके काम की पब्लिक में पहचान मिले या ना मिले, आपको उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये है कि ये मेरा काम है, ये मैंने काम करके पूरा कर दिया और घर आ गया, आप उसके लिए नहीं ज्यादा। कुछ लोगों का ये होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ लेकिन मेरा नाम होना चाहिए, इसमें नहीं सही है। तो मैंने ये ठीक लिखी चीज है, ऐसा ही है, ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। मोर कंसर्न अबाउट सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस लेवल, आप अंदर से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, जो अपनी इमेज आपको दिखानी चाहिए, जो टैलेंट स्किल आपका है वो नहीं दिखा पा रहे आप, अभी तक तो नहीं दिखा पा रहे, 50% भी आप नहीं उसे यूज कर पा रहे, उसे नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि शायद मुझे ये लगता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अपने स्किल और टैलेंट को पूरी तरह से, कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या क्या है जी।
कुदरत हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी कैपेसिटी का 100% पूरा यूज करना चाहिए। बर्ड्स को देखते हैं, आसमान तक कहां तक उड़ते हैं, चील को देखो, बाज को देखो, आंधी तूफान आते हैं उससे और भी 10 फुट ऊपर चले जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, देखो नीचे आंधी, लोग कैसे भाग रहे हैं, बाकी बर्ड्स कैसे भाग रहे हैं डर के, उन चीजों को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज कर रहे हैं। इंसान एक ऐसा जीव है जो कि मैक्सिमम टाइम अपनी कैपेसिटी को पहचान ही नहीं पाता, और हम में से मैक्सिमम लोग अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज कभी कर ही नहीं पाते। तो मैं इन चीजों पे काम करता हूं ताकि हर आदमी एटलीस्ट अब जब 30-40 साल 45 साल पे हम पहुंच गए हैं तो अब इसके बाद फिर कब समझेंगे इन चीजों को। आज की डेट में जमाना बहुत तेजी से चल रहा है जी। कल ही मैं सुन रहा था कि AI आया है तो दुनिया में हाई तो वह मच गई जी, AI आ गया, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक साइंटिस्ट कह लो, एक एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के हैं उनकी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है मैक्सिमम 1 से 1.5 साल AI की लाइफ है। इसके बाद जो इसका एडवांस वर्जन आने वाला है जब वो देखेंगे तो अब हमें लगेगा कि क्या हम बेवकूफ थे, AI के साथ ऐसे काम करते थे कि इसको कमांड देते थे फिर वो हमें बताता था फिर हम उसे पढ़ते थे, ये कोई तरीका काम करने का। तो AI की लाइफ मैक्सिमम वो कह रहे थे कि 1 से 1.5 साल। तो जब जमाना साइंस विज्ञान हर चीज इतनी तेजी से तरक्की कर रही है तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चलें, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं। नेक्स्ट है जी, डोंट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू अदर्स। कोई कितना भी बड़ा है, कोई कितनी बड़ी हस्ती है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो काम करना है आप अपने काम से मतलब रखते हो, उसका असर उसका प्रभाव जो है वो आपके काम करने के तरीके पे जहां तक मैं फील करता हूं वो नहीं आता जी। ये गैप का मैंने बता दिया, गैप बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर विद अदर अल्फाबेट क्रिएट डिफरेंसेस विद इन फैमिली चिल्ड्रन प्रोफेशनल लाइफ, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी शुरू में आपको। योर सिग्नेचर, यू ऑलवेज वेरीफाई थिंग्स पर्सन बिफोर ट्रस्टिंग। ये जो लास्ट में डॉट का सिग्नेचर का था ये वो पॉइंट है जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया ये मैंने। नेक्स्ट है जी, स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टेब्लिश योर ओन आइडेंटिटी ब्रांड वैल्यू। आज जिस तरह हर प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू है, अब टाटा की गाड़ी लेनी है, टाटा के नाम की कोई भी चीज है तो हम आंखें बंद करके चाहे वो दूसरी चीजों से थोड़ी महंगी होती है तो भी हम चुपचाप ले लेते हैं। इसी तरह ये पैसिफिक मॉल है हमारे नजदीक, यहां पे जाते हैं तो कोई चीज 2000 कोई 5000 की है, हम बड़ी खुशी से वो पैसे दे के आ जाते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर लोकल मार्केट में लेने जाते हैं उससे आधी कीमत में मिलती है तो हम उसे नहीं खरीदते, डरते हैं। तो वो है कि उस वहां पे एक ब्रांड लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रांड नहीं है। सेम चीज हमारी पर्सनल लाइफ पे भी एप्लीकेबल होती है कि अगर हम अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाते, अपनी गुडविल नहीं बनाते तो आज जो चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। अब एक चाहे कोई अच्छा बिजली वाला है जी, कोई भी काम करने वाला अच्छा पेंटर है या कंप्यूटर के कोई अच्छा ये जो एडिटिंग का काम करता है जी, उसमें अगर उसने 3 महीने 6 महीने सीख के और 1-2 साल मेहनत की है, आज वो लड़के 1-1, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। सिर्फ ये कि उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया कि हाँ इससे अच्छी एडिटिंग दूसरा नहीं कर सकता। अब नरेना में लोगो डिजाइनिंग 500 रुपए में 1 घंटे में लोगो डिजाइन करके दे देते हैं, लेकिन नरेना में भी एक मैं जानता हूं मेरे मिलने वाले हैं, वो लोगो डिजाइन करने का मिनिमम 10,000 रुपए से शुरू करते हैं लेट, और 8 दिन से पहले वो लोगो डिजाइन भी नहीं करते। ये तो हमारे इंडिया में इस तरह से, बाहर जो लोगो डिजाइन करते हैं किसी कंपनी का
किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो कम से कम 3 महीने का टाइम लेते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन, और वो 5,000-10,000 डॉलर से उनके चार्जेस शुरू होते हैं और $50,000 तक जाते हैं। आपको हैरानगी होगी, नाइकी का जो एक सिर्फ राइट का साइन बना हुआ है, ये जो लोगो जब डिजाइन किया गया था, इसकी पूरी केस स्टडी गूगल पे अवेलेबल है, तो ये जो एक सिर्फ निशान है सफेद रंग का जो बनाया, उसको उस टाइम उन्होंने $20,000 पे किया था उस लोगो का। तो ये होती है ब्रांड वैल्यू। अब उन्होंने एक बार पे किया, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में छोटा बच्चा भी उस सिंबल को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये नाइकी। तो आज अगर हमें सक्सेसफुल होना है किसी फील्ड में, पैसा कमाना है, अपनी गुडविल बनानी है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा इन चीजों पे जो मैंने सारी ये एक्सप्लेन। एक जो थोड़ा सा वीक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है आपका, कि वो ये है कि लैक इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क। क्योंकि आप एफ बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं, ना तो ऊपर लूप बना रहे हैं ना नीचे लूप बना रहे हैं, तो इससे क्या है कि ना तो आप जब कोई काम शुरू करने जाते हैं तो उसकी डिटेल में पूरी तरह से नहीं जाते जी, और जब उसे एग्जीक्यूट करना होता है तब भी आपको जल्दी होती है, जल्दबाजी में शुरू करवा देते हैं, फिर आपको छोटे छोटे हर स्टेप पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जी। तो इन चीजों को बड़ी इजिली दूर किया जा सकता है सिर्फ एक एफ की फॉर्मेशन को अगर हम ठीक कर लें। एज ए फ्रेंड यू आर वेरी गुड बट नॉट एंजॉइंग हेल्दी हैप्पी लाइफ। ये चीज एक सॉरी आपके इसमें मुझे दिखाई दी है, अब पता नहीं मैं कहां तक ठीक हूं या, लेकिन आप इंटरनली अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है अपनी जिंदगी से, हमेशा आपको कोई ना कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा रहता है कि कोई कमी है। जब भी कभी अकेले बैठे हो, रात को नींद खुल गई, सुबह जल्दी उठ गए, तो उस टाइम कहीं भी कुछ क्रिएटिव सोचने की बजाय, कुछ पॉजिटिव करने की बजाय, आपका मन जो है इन चीजों में उलझ के रह जाता है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका जो निचोड़ है वो हैंडराइटिंग को कैसे ठीक करना है? देखो ये जो भी प्लस पॉइंट थे, जो भी वीक पॉइंट है, वो आपको भी पता थे, मुझे भी पता था जी। मैंने भी उनको आपके सामने ला दी जी, जी। असली चीज तो है कि उनका सलूशन क्या है जी। लेकिन एज के मुताबिक जो आज मैं 47 एज पर हूँ, तो एक लिखने का जो स्टाइल होता है, हर बच्चा भी अगर लिखता है तो उसका एक स्टाइल बन जाता है, मेरा एक स्टाइल बन गया। अब इसको जैसे एक छोटे बच्चे को हम हैंडराइटिंग बुक देते हैं, तो क्या मुझे उस प्रोसेस से अपने अल्फाबेट को सही लेकर आना है, मतलब इसका सोल्यूशन? देखो हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जी, वर्ड्स की फॉर्मेशन को सही ढंग से तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि ग्राफोलॉजी में जो मेन चीज हम देखते हैं वो देखते हैं साइज, स्लांट, एंगल, प्रेशर, तो ये सारी चीजों को दोबारा से रीअरेंज करने की जरूरत है। और ये आपकी तो एज अभी कम है, मेरे पास तो कई 70 साल प्लस के भी लोग आते हैं, स्पेशली गुजरात से, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अब आपको क्या जरूरत है, वो कहते नहीं जी हमें करने हैं, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो एक हफ्ते में मतलब कितने बढ़िया रिजल्ट देते हैं, जो 70 साल से वो जो लिख रहे थे एक हफ्ते में उनका पूरा स्टाइल। लेकिन यही है कि हम कितना सीरियस हैं, कितनी जल्दी अपने माइंड को हम कमांड देते हैं कि भी जो कुछ कल था वो ठीक था, लेकिन आज से प्लीज ये स्टाइल चेंज करो, ताकि मुझे अब जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीनी है और बढ़िया खुशहाल अच्छे तरीके से जीनी है। ठीक है जी। तो कोई मुश्किल नहीं है, किसी अल्फाबेट को चेंज करने में दिक्कत आ रही हो तो उसका बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, या साइन करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारा फर्स्ट अल्फाबेट ठीक नहीं बन रहा, या सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट या कोई मिडल का अल्फाबेट ठीक नहीं बन रहा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि उसको ब्रेक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ साइन में नहीं, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है ना, उसको ब्रेक कर दो, दो हिस्सों में बांट दो, 4 में बांट दो, 10 में बांट दो, एक एक हिस्से को ठीक करते जाओ, थोड़ी देर में सारे ठीक हो जाएंगे, सबको मिला दो, आपकी प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी।
जब एक जगह हम देखते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम पहाड़ की तरह दिखाई देती है, उसे ब्रेक कर देते, उसे ब्रेक करते जाओ तो छोटी सी हो जाती है प्रॉब्लम, और एक एक छोटी छोटी चीज को ठीक करना बहुत आसान है, जब सारी ठीक हो जाए उनको मिला दो तो आपका सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपका बिल्कुल ठीक रहा।